वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अभी आसिफ गए नहीं, वही खड़े खड़े आपने तख्ते बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। कब? पलक झपकने से पहले, एक महीने से ज्यादा की मुसाफत से आपने ला करके पेश कर दिया। कुरान उनकी सिफत बयान करता है, उनकी शान क्या थी। अल्लाह फरमाता है कि हमने आसिफ को, जो वो वली थे ना, उनको किताब का इल्म अता किया था। किताब, अब वहां किताब से मुराद मुफस्सरीन फरमाते हैं जबूर है, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में कौन सी किताब थी? जबूर थी। तो आप मुझे बताएं, जिसको जबूर का इल्म हो, जो जबूर का आलिम हो, सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से ना हो, वो तख्ते बिल्कीस पलक झपकने से पहले लाकर पेश कर देता है। अब मेरे गौस की शान सुनो, वहां जबूर की बात नहीं है, जबूर से अफजल तरीन किताब, आखिरी अल्लाह की किताब कुरान का इल्म। वहां वली है, उम्मती है, सिर्फ मेरा गौस उम्मती भी है, वली भी है, और रसूलुल्लाह का चहीता बेटा भी है। और गौसे पाक को कुरान का इल्म कितना था, हजरत आसिफ को जबूर का जितना इल्म होगा होगा, लेकिन गौसे पाक को कुरान का इल्म कितना था, इस बात से अंदाजा लगाएं। अल्लामा इब्नुल जौजी अपने वक्त के बड़े अजीम मुहद्दिस और मुफस्सिर हैं, गौस पाक के हम आसर हैं और बहुत बड़े आदमी है। इनकी तनकीद से शायद ही कोई मुहद्दिस बचा होगा, इल्ला माशाल्लाह। अभी आप इल्म हदीस पर सुन रहे थे, इब्नुल जौजी बड़े बेबाक मुहद्दिस हैं, सब पर तनकीद की, हत्ता के इमाम बुखारी पर ऐसी तनकीद की कि उस पर पूरी एक किताब लिख डाली। यहां उसका वक्त नहीं है, और अभी इधर से हदीस की महफिल चलती है, शायद आगे के दरस में आप सुनेंगे। वो इब्नुल जौजी जिसके जरह तादील के मामलात से इमाम बुखारी जैसा न बच सका, गौसे पाक पर भी तनकीद करते थे कि इनके आम मामलात ऐसे हैं और ये हैं और ये हैं। गौस पाक के खलीफा थे शेख अबुल अब्बास, शेख अबुल अब्बास की इब्नुल जौजी से दोस्ती थी। इब्नुल जौजी से कहा, इब्ने जौजी मेरे पीर पर तुम तनकीद करते हो, कभी उनको देखा? कहा नहीं देखा। तो कहा पहले देख तो लो, उनको सुना? नहीं सुना। कभी सुन तो लो। बहुत टाल मटोल किया, लेकिन शेख अबुल अब्बास उनको लेकर आए। उस दिन मेरे गौस खिताब करने वाले थे, एक किनारे कोने में बैठ गए दबक कर कि किसी की नजर ना पड़े। सुनिए, वहां जबूर का इल्म है कितना है कोई वजाहत नहीं, लेकिन यहां मेरे गौस के इल्म कुरान की शान क्या है। बहजतुल असरार शरीफ में भी है, मुल्ला अली कारी ने भी बयान किया है, और मुख्तलिफ रिवायतें हैं, हर रिवायत का जायजा नहीं लिया जा सकता। मशहूर रिवायत पेश कर रहा हूं, इब्नुल जौजी जब बैठे, गौसे पाक ने कारी से कहा कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ो, कारी ने कुरान मुकद्दस की तिलावत की, और तिलावत के बाद मेरे गौस ने उसकी तफसीर बयान करना शुरू की। इब्ने हजरत शेख अबुल अब्बास कहते हैं, जब गौसे आजम ने कुरान की पहली आयत, पहली तफसीर आयत की बयान की, तो मैंने इब्नुल जौजी की तरफ देखा, ये जानते हो इसकी तफसीर? तो इब्नुल जौजी ने बड़ी शान से सर हिलाया, हां जानता हूं। फिर दूसरी तफसीर गौसे पाक ने बयान की, फिर मैंने उनकी तरफ देखा, ये जानते हो? उन्होंने कहा हां जानता हूं। ये करते करते 11 तफासीर तक पहुंचे। इब्नुल जौजी 11 तक के कहते थे हां जानता हूं। मेरे गौस ने 12वीं शुरू की, शेख अबुल अब्बास कहते हैं मैंने कहा ये तफसीर जानते हो? इब्नुल जौजी की गर्दन झुक गई कि 12वीं नहीं जानता। वो 12वीं पे नहीं रुके गौस पाक, 13वीं बयान की, 14वीं बयान की, 15वीं बयान की, 16वीं बयान की, हर एक पे मैं पूछता ये जानते हो? वो गर्दन झुका देते, ये जानते हो? वो गर्दन झुका देते। एक रिवायत के मुताबिक 21 तफसीरें बयान की, और दूसरी रिवायत के मुताबिक 40 तफसीरें बयान की। इब्नुल जौजी तड़पने लगे, इल्म इसे कहते हैं, इल्म ये है। लेकिन जब 40 तफसीर बयान की, फरमाया ये तो इल्म जाहिर है। मेरे गौस का इल्म किताब की शान देखो, कहते ये इल्म जाहिर है। अरे अब काल को छोड़ो और हाल की तरफ आओ। जब ये कहा काल को छोड़ो और हाल की तरफ आओ, तो मजमे में लोगों ने कपड़े फाड़ दिए, चीख उठने लगी, बेहोश हो गए, कोई मर गया,
इब्नुल जौजी उठ कर आए, गौस पाक के कदम पकड़ लीजिए, माफ कर दीजिए और अपने गुलामों में कबूल फरमा लीजिए। जिसको जबूर का इल्म हो और उतना हो जितना अल्लाह ने दिया हो, जब वो पलक में झपकते तख्ते बिल्किस ला सकता है, तो जिसको कुरान का इतना इल्म हो कि उनके जमाने में उतना कोई कुरान जानता ही नहीं हो, तो क्या वो हमारी मदद नहीं कर सकते? इसीलिए तो वो फरमाते हैं, मेरे मुरीद घबरा मत, अगर तू मशरिक में हो मैं मगरिब में रहूं, तुझे मुसीबत आए तू मुझे सच्चे दिल से पुकारे, मैं तेरी मदद के लिए पहुंच जाया हूं। इसीलिए मौलाना जमीलुर रहमान कहते हैं, खुदा के फजल से हम पर है साया गौस आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौस आजम का, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौस आजम का, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौस आजम का, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौस आजम का, सदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को, किसको हम कादरियों को, सदा देगा मुनादी हश्र में हम कादरियों को, किधर है कादरी कर ले नजारा गौस आजम का, किधर है कादरी कर ले नजारा गौस आजम का। वक्त खत्म हो रहा है, वरना और भी बातें पेश की जा सकती है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, गौस पाक से हमारी निस्बतों को अल्लाह उस्तवार फरमाए और उनकी निस्बतों के सहारे अल्लाह जमीन के ऊपर भी रखे, जमीन के अंदर भी रखे। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग। मैं रिसालत के परवानों हर शनिचर को बाद नमाज ईशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है, आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislami.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना।